हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी मिल्क केक। एकदम चुटकियों में बनाकर ये रेडी हो जाता है, बिना तेल घी बटर के सूजी मिल्क केक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दूध बॉईल कर लिया है, एकदम मलाई वाला दूध। तो अभी दूध 3/4 आप ले लेना, 3/4 कप। इसी कप में से मेजरमेंट लेना। मैं पूरा एक कप पूरा डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा और लगा था ना, इसलिए पूरा एक कप एकदम बराबर लगेगा। अगर आप 3/4 कप लोगे तो फिर बाद में 1/4 कप फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा मैं एटलीस्ट पूरा जितना दूध लगा है उतना, एक कप दूध और आधा कप शक्कर, गुनगुना दूध है ये, ठीक है। बॉईल करके ले ली हूँ, और आधा कप दूध अखा भी डाल सकते हो। गुनगुना दूध में मैं पीस कर ले ली हूँ ताकि जल्दी वो दूध में मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो पूरा आधा कप शक्कर को पीस ली हूँ, उसके जगह पर आप बूरा भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भूरा आता है, ठीक है। तो इस अपने घर पे जो जो मौजूद रहता है वही सब डालने का। फिर एक कप सूजी बारीक वाला, अगर मोटा वाला आपके पास सूजी होगा तो उसको मिक्सर में पीस लेना, ठीक है। एक कप सूजी डाल दिए हैं, और बाकी ये तीनों चीज़ को पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें अभी घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैटी मिल्क जो रहता है, मलाईदार मिल्क रहता है ना, उसी में मलाई रहता है, इसलिए कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूरा मिक्स कर लिए हैं, 10 मिनट इसको रेस्ट करके ढककर रख देंगे। तब तक क्या करेंगे, 4 वाटी या 3 वाटी कढ़ाई में जितना आएगा, मतलब उतना वाटी हम ले लेंगे, छोटे छोटे वाटी। मेरे पास इतना था जो ऐसे, तो मैं अभी उसमें ग्रेस कर रही हूँ घी लगा कर, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, मेरे पास तो बटर पेपर नहीं था, तो ये स्टील का है तो चिपक जाने का डर रहता है। अगर जो एल्युमिनियम जैसा होता है तो उसमें नहीं चिपकता, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, बटर पेपर लगा देना, तो चिपकेगा नहीं, आराम से ये निकल जाएगा। तो अभी देखिए प्री हीट करने के लिए मैं बैठा दी हूँ कढ़ाई। मैं नमक डाल दूँगी, यही नमक मैं बार बार सब में यूज़ करती हूँ, ख़राब नहीं होता है। जो अखा नमक आता है ना, उसको इसे पीस लेने का और करने का, ठीक है। तो ये नमक फिर वेस्ट नहीं करना, ये फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये नमक को ये हमेशा काम आता है। हो जाने के बाद फिर मैं ठंडा करके ये नमक को मैं भर कर रख देती हूँ। तो देखिए वहाँ पर मैं कढ़ाई में नमक डालकर पूरा सब एक रिंग रख दी हूँ, गर्म होने के लिए बैठा दी हूँ फ्री हीट होने के लिए। तब तक 10 मिनट हो चुका है। अभी जो ये बैटर हम रखे थे ढककर, तो अभी इसमें देखिए इतना फूल जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। इसी क्वांटिटी का आप बनाइए, कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। तो फूड कलर मैं अभी यहाँ पर 2 पिंच डाल दी हूँ, क्योंकि नहीं तो फीका फीका लगता था। और यहाँ पर अभी मैं डाली हूँ ये वनीला एसेंस। तो केक के तरह एकदम जो मार्केट में जैसा केक मिलता है ना, उसी तरह उसका टेस्ट आता है। अगर वनीला एसेंस नहीं होगा ना आपके पास, तो इलायची पाउडर 1 छोटा स्पून डाल देना, ठीक है। 2-3 पिंच इलायची पाउडर डाल सकते हो। और कलर फूड कलर क्यों डालते हैं, क्योंकि इसका रंग बहुत अच्छा लगता है दिखने में, फीका फीका नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मार्केट से हम केक लाते हैं उसी तरह का लगेगा। और जिसके पास जो मोल्ड नहीं रहता है ना, जो बटर पेपर जैसा रहता है, उसमें आप अगर घर पे होगा तो उसमें ये बैटर डालकर कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं इस वाटी में डालकर की हूँ। और ये है जो सूखा खोपरा आता है ना, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आता है ना, तो वो आप 1/4 कप डाल देना। मेरे पास फ्रेश वाला था, मैं फ्रिज में रखी थी, सूखा हो गया था, तो मैंने इसको यूज़ किया है। आप ब्लैक वाला पार्ट नहीं लेना, जो नारियल का वाइट वाइट पार्ट रहता है ना, वही डालना। बहुत टेस्टी लगता है, आप यकीन मानिए, बहुत मस्त लगता है। फिर तो पूरा मैं फेंट ली थी, मिक्स कर ली थी। अब इनो का जो ब्लू वाला पैकेट आता है ना, उसमें बहुत अच्छा रहता है, इसमें नींबू का स्मेल नहीं आता है। तो ये इनो का ये पैकेट डालना, ब्लू वाला, पूरा 1 सेसे लगता है, ठीक है। तो पूरा अभी मैं डालकर पूरा मिक्स कर रही हूँ, पूरा फ्लफी हो जाएगा। अब तुरंत कढ़ाई में भी है तो हम सब रेडी कर दी है, मतलब पूरा गर्म हो चुका है, ओवन के तरह अभी कढ़ाई अपना हो चुका है, बिना ओवन के बना रहे हैं। तो इस तरह आप करिए, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो वाटी में भी सब लगा ली हूँ, और टूटी फूटी रखी हूँ उसमें एक मैदा 1 चम्मच डालकर ऐसे मिक्स कर ली हूँ, ताकि वो अंदर न जाए, न जम जाए, जो टूटी फूटी डालूँगी ऊपर रहेगा। और सब कहीं से भी इसे आप केक को तोड़ोगे ना, तो वहाँ पर ये टूटी फूटी होगा और अच्छा लगेगा खाने में, ठीक है। तो इस तरह मैं नीचे भी ऐसे डाल दी हूँ। बस यही एक दुख होता है कि लास्ट में जब निकाली थी ना, बटर पेपर नहीं था तो मेरा चिपक गया था, और कुछ ये नहीं है। बाद में दोबारा मैं जब बनाई थी ना, तो उसमें बटर पेपर लगाई थी, मस्त निकला, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना,
बटर पेपर लगा लेना, नहीं तो नॉर्मल पेपर में घी लगाकर आप ऐसे रख सकते हो वाटी में, तो इस तरह। लेकिन एकदम एक नंबर परफेक्ट एकदम ये हुआ है, बहुत मस्त बनी है और बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, सेम रसमलाई जैसा टेस्ट आता है, यकीन मानिए बहुत ही मस्त लगती है। घर के सामानों से जो बनाते हैं आप एक बार इसे बनाइए। सूजी तो हर एक के घर में रहता है, दूध, सूजी, शक्कर, आप ऐसे बनाइए और खाइए। और देखिए सब में मैं ऐसे पूरा आधा आधा रख रही हूँ, ताकि पूरा भर कर क्यों नहीं रखी, क्योंकि थोड़ा फूलेगा ना तो उसको जगह चाहिए, तो ऐसे पूरा एडजस्ट करके मैं एडजस्ट करके रख रही हूँ, ताकि टेढ़ा भी ना हो। थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जैसे सब मैं ऐसे डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर ऐसे डाल सकते हो। मैं यही टूटी फूटी जो मैदा मैं मिला कर रखी थी, एक चम्मच पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मेरा थोड़ा वाइट वाइट ऐसा रह गया है, तो ये क्या अंदर जाएगा नहीं, ऊपर ही ऐसा रहेगा टूटी फूटी, और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह मैं ऊपर ऊपर ऐसे डाल दी हूँ। अब पूरा ढक्कन अभी ढक्कर रख दूँगी पूरा स्लो फ्लेम में, 25 मिनट 30 मिनट ऐसा लगेगा पकने के लिए। बीच बीच में निकाल कर देख सकते हो अपना हुआ या नहीं। देखिए अब पूरा 30 मिनट्स के बाद देख रही हूँ, तो कैसे पता करेंगे अभी हुआ या नहीं। तो देखिए पूरा तो पूरा ब्राउन हो चुका है इस अंदर का, मुझे लग रहा है। अभी इसे लकड़ी से ऐसे डिप करके देखेंगे, अगर थोड़ा आपको नमी चिकट चिकट जैसा लगेगा तो फिर 5 मिनट रख लेना ढककर। तो ये अभी पूरा इसमें लकड़ी में नहीं लगा है, टूथपिक में नहीं लगा है, और एकदम पूरा साफ निकला है। तो पूरा ये हो गया, मैं संभाल कर एक एक में निकाल रही हूँ। आप संभाल कर निकालिएगा, क्योंकि बहुत गर्म रहता है, चटका लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सारा मैं निकाल ली हूँ, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम नाइफ़ की सहायता से पूरा ऐसे किनारों में ऐसे नाइफ लगा देंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। ये साइड से तो आसानी से निकल गया, लेकिन मेरा तले में एकदम चिपक गया है, बटर पेपर नहीं लगाई थी इसलिए। ठीक है, तो आप बटर पेपर लगाओगे तो ये दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से खाली चारों तरफ ऐसे किनारों से कर दोगे और ऐसे पटक दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये केक अपना बना है, सूजी का मिल्क केक। आप इस तरह घर पे बनाइए और आराम से ये कभी भी खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ठीक है, बर्थडे में कभी भी कुछ भी होगा, तो कोई फंक्शन भी होगा तो भी बनाकर आप खा सकते हो, फेस्टिवल भी होगा तो ये बनाकर खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे हम मोल्ड का केक लाते हैं ना मार्केट से, सेम उसी तरह का लगा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे मैं टेढ़ा हो गया था वाटी, तो किनारों से थोड़ा जलने की तरह लग रहा है, तो कुछ नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट ये मस्त हुआ है। बस चिकना होकर ऐसे नीचे से नहीं निकला, ये इसका प्रॉब्लम हुआ, बटर पेपर नहीं लगाई थी इसलिए, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप बटर पेपर लगाना नीचे वाटी में। ठीक है, छोटे छोटे पेपर ही, देखिए कितना जालीदार और स्पॉन्जी हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस तरह से बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल कुक विद मिसेस साव का लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और इस तरह से मैं इजी रेसिपी आपके सामने लाऊं, इजी सा एकदम टेस्टी सा। ठीक है, तो आप इस तरह घर पे बना कर खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, बर्थडे में भी बना सकते हो, फेस्टिवल में भी बना सकते हो, और कहीं भी आपका मन करेगा तो किटी पार्टी में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप ऐसे बनाकर खाओगे अच्छा लगेगा, तो अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे यार। ठीक है ना, देखिए कितना स्पंजी लग रहा है, एकदम जालीदार लग रहा है, खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है, सेम रसमलाई की तरह मस्त लगता है। तो आप इस तरह बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।